तो आज मैं आपके लिए दो ऐसे सवाल लेके आया हूँ जो ज्यादातर सेंटर पर आने वाले लोग पूछते हैं। आप जितने भी लोग सेंटर पे आते हैं ना, उन लोगों में कई सारे लोग ये दो सवाल कॉमन पूछते हैं। भाई सेंटर पर फीस नहीं ली जाती, पैसा कितना लिया जाता है, कई लोग पूछते हैं ना, नए लोग आपके आस पड़ोस में भी लोग, जब आप उनको बताने जाते हो फीस है, क्या चार्ज लिया जाता है वहां पर, या आपको भी सेंटर पर पैसे क्यों नहीं लिए जाते हैं, क्यों नहीं लिए जाते हैं, क्या वजह है कि सेंटर पर क्या चार्ज है, क्यों पैसे नहीं लिए जाते हैं, बताओ आप बताओ। वो क्यों बताएंगे, आप बताओ ना, आपको क्या समझ में आता है कि सेंटर पे फीस क्यों नहीं ली जाती। आपको नहीं पता, अच्छा आप बताओ सेंटर में फीस क्यों नहीं ली जाती है फिर। सर ये जो आपके जो प्रोडक्ट बिकते हैं, हाँ जी, इसके सारे से ये चलिया, अच्छा कितने लोग आते प्रचार करते, हाँ। अब हम एक दूसरे को बताएंगे थोड़ा बहुत इसमें होता, थोड़ा बहुत मतलब मदद हो जाती, अच्छा ठीक, इसलिए ये चलिया। और आप सेंटर में, सेंटर में फीस क्यों नहीं ली जाती, आप वही पता होना चाहिए ना। आप थेरेपी लेने इतने सारे लोग आ रहे हैं सेंटर पर, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि भाई सेंटर में फीस क्यों नहीं ली जाती, बताओ। हाँ नहीं, वो खरीदने की बात तो बाद की बात है ना। हाँ जोड़ा ताली हो जाए भाई एक बार इनके लिए भी। हाँ सेंटर में फीस क्यों नहीं ली जाती है, क्योंकि हम सेंटर पर जितने भी लोग आ रहे हैं, भाई कई लोगों के मन पर रहता सवाल, मैक्सिमम जितने भी लोग आते हैं वो सोचते हैं यार इतना सेंटर चला रहे हैं, मशीनें भी और ये भी, पर लेकिन फ्री क्यों दे रहे हैं। दिन में एक बाबूजी आए, वो कहने लगे 20-20 रुपए सबसे लिया करो आप रोज। सेंटर पर क्यों फीस नहीं जाती, या फिर इतनी महंगी मशीनों का आप डेमो दे रहे हैं, क्यों चार्ज नहीं करते, वो आपको समझना है और अपने जानने वालों को समझाना है। जैसे हम सेंटर में आते हैं तो हम हमेशा एक चीज बताते हैं कि सेंटर क्या है, डेमो सेंटर है। डेमो सेंटर का मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर हम कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करके देखेंगे, डेमो लेके देखेंगे। जैसे आजकल सीजन मूंगफली का है, कितने लोग मूंगफली खाते हैं, आजकल मूंगफली का सीजन है, कितने लोग खरीद के लाते हैं, रेड़ी ठेले दुकान से खरीद के लाते होंगे ना। जब हम दुकान पे या रेड़ी वाले के पास में जाते हैं मूंगफली खरीदने, 2 किलो मूंगफली अगर किसी को खरीदने हो, 1 किलो खरीदना हो, तो वो क्या करते हैं, तोलते तोलते एक हाथ खा लिए, या तोलने से पहले ही एक तो चेक करके देख लिए। इससे पहले आम का सीजन था, आम में भी लोग वही दुकानदार काट के खिलाता है, लीची भी एक खिलाता है। शॉपिंग करने लोग जा रहे हैं घंटा घर, कपड़े खरीदने जाते होंगे ना आप लोग, कपड़ा क्या सीधे पैसे दे के सीधे खरीद लेते हैं, क्या करते हैं, दुकानदार आपको एक नहीं 10 दिखाता है, आपको 10 तब एक पसंद आता है, सही है या गलत है, वो क्या है, डेमो है। एक मूंगफली पहले खा के देखा वो डेमो है, थोड़ा सा आम का टुकड़ा पहले खा के देखा वो डेमो है, उस डेमो का दुकानदार आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है, हालांकि वो डेमो लिमिटेड डेमो होता है। आप रोज ऐसा नहीं कर सकते कि किसी दुकान पे आप गए कपड़े खरीदने, आपने 10 जोड़े सूट देखे और खरीदा एक भी नहीं, चलो एक दिन तो माफ कर देगा वो आपको, दूसरे दिन फिर गए फिर आपने 10 खोले फिर दिखाएगा ही नहीं वो आपको, सही है या गलत है। लेकिन सेंटर पे जो हम डेमो देते हैं उसकी कोई लिमिट पीरियड नहीं है, हम अपने प्रोडक्ट का डेमो देते हैं, जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट का यूज करके उनको फायदा मिलता है, उनको लगता है कि प्रोडक्ट उनके परिवार या उनके लिए जरूरी है, तो वो बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं जी। इसलिए सेंटर पर किसी से कोई भी फीस नहीं ली जाती है, क्योंकि जो लोग सेंटर पर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उन लोगों की मदद से ही हम लोगों को थेरेपी या फ्री डेमो दे पाते हैं। अच्छा है, अगर आज आप थेरेपी ले रहे हैं तो आपसे पहले आने वाले लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किए, आज लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आने वाले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे थेरेपी दी जाएगी। अच्छा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कितने दिन का कोर्स है बताओ, 3 महीने का, मैंने कब बोला ऐसा, मैंने बोला क्या 3 महीने का कोर्स है, कोर्स कितने दिन में ठीक होंगे भाई बताओ, कितने दिन का कोर्स है, कोई कोर्स नहीं है, कोई कोर्स नहीं है,
कितने दिन में ठीक होंगे? क्या बात है आंटी के ले जाओ छोटा ताली बजाओ भाई, जानकारी होनी चाहिए ना भाई। देखो ये एक डेमो सेंटर है, इसका कोई भी कोर्स नहीं होता, कोर्स होता है दवाइयों का। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं 6 महीने आपको ये दवाई खानी है, 6 महीने बाद आपकी दवाई चेंज हो जाएगी। पर ये कि डेमो सेंटर एक्सरसाइज सेंटर है, जैसे जिम होते हैं उसी प्रकार से ये सेंटर्स हैं। जिम कब तक करना चाहिए व्यक्ति को? जब तक वो अपने आप को स्वस्थ देखना चाहता है। सेंटर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल व्यक्ति को कब तक करना चाहिए? जब तक हम अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं। फिक्स नहीं है कि 3 महीने ही आप लेंगे तो फिर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक दिन में एक बार रोज हमें इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। कितने दिन में ठीक होंगे भाई? देखो सेंटर कोई बीमारी ठीक करने की जगह नहीं है, आराम मिलता है। दर्द कई लोगों को, एक आंटी ने बताया कि उनको ब्लड सर्कुलेशन में भी फायदा हुआ, पैर में भी आराम मिला, आराम मिलता है। पर हमारा सेंटर कोई बीमारी ठीक करने की जगह नहीं है, ये तो मैं हमेशा बताता हूँ ना कि बीमारी ठीक करने की जगह सेंटर नहीं है। कौन है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बीमारियां ठीक होती है। लोग समझ लेते हैं इसको कि यहाँ बीमारी ठीक हो रही है, पर असल हमारा काम शरीर में क्या है जी, शरीर को फिट रखने का काम है इन मशीनों के द्वारा। अब जब लोग अच्छे होते हैं तो लोगों को क्या लगता है, हम 1 महीने में ठीक हो गए, हम 2 महीने में ठीक हो गए। लोग खुद ही अंदाजा लगाने लग जाते हैं कि हम कितने दिन में ठीक होंगे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही सोच के साथ में जाते हैं कि यार कितने दिन में ठीक हो जाएंगे हम, ये क्वेश्चन हम वहाँ पे पूछते हैं। कितने दिन में आपको आराम मिलता है, कितने दिन में आप अपने आपको फिट महसूस कर पाते हैं, सबकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबका रहन सहन खान पान दिनचर्या अलग अलग है, इसलिए इन मशीनों का असर बॉडी पे सबको अलग अलग तरीके से होता है। तो ये हो गया आपके दो सवालों के जवाब। क्या क्या जी? सेंटर में फीस क्यों नहीं ली जाती और कितने दिन में ठीक होंगे, कितने दिन का कोर्स है। तो इन चीजों को क्या करना है आपको समझ के अपने जानने वालों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी सेंटर पर आकर के सेहतमंद बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।